थैंक यू सो मच दानियाल अजीज साहब, आप इलेक्शन लड़ेंगे नारोवाल की सीट से लड़ेंगे NA76, आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट रॉन्ग। आप PMLN के खिलाफ लड़ेंगे और इन एसेंस आप उनके खिलाफ हो गए हैं। ये जी, मेरा हल्के का नंबर NA75 है और यहाँ पर जिस शख्स को टिकट दिया गया है वो एक्चुअली पुराने पीपल्स पार्टी के नारोवाल के कैंडिडेट हैं जो इलेक्शन लड़ते रहे हैं, अनवार ब्लॉक साहब, और उनका उन्होंने अप्लाई भी नहीं किया था एमएलए की सीट, उन्होंने अप्लाई भी नहीं किया था, ना कहीं इंटरव्यू दिया है इस सीट के लिए, ना ही इन्होंने कोई रिकमेंडेशन की हुई है किसी कमेटी से। तो ये मामला जो है ये एक अजीब, सिर्फ एक लाडले बेटे को जो है ना अकोमोडेट करने के लिए, अब एहसन इकबाल साहब खुद लड़ेंगे, फिर वो इस्तीफा देंगे, फिर बाय इलेक्शन में वो होगा, तो ये एक अजीब गरीब सूरत हाल है। जो कम से कम मेरे 32 साल, मैं 1991 में पहला इलेक्शन लड़ा था, मैंने तो नहीं देखा इस तरह की सूरत हाल। लेकिन बहरहाल ये उनकी मर्जी है, और जो चीज़ नागुजीर गुजरी है कुछ लोगों के ऊपर वो मेरा महंगाई के ऊपर बयानिया है, और महंगाई के हवाले से मेरी तनकीद ये थी कि हमारी जमात अवाम तक अपना असल पैगाम पहुँचा ही नहीं सकी है कि महंगाई का जिम्मेदार कौन था। PMLN की हुकूमत तो बनी है PDM की अप्रैल में, और मई और जून उससे साल 2022 में ये महंगाई जो है ये फट के 23% से ज्यादा चलेगी, जबकि उस वक्त जब नो कॉन्फिडेंस हुआ वो सिर्फ 12% थी। तो अगर आप स्टेट बैंक के कवानीन देखें और स्टेट बैंक का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसको देखें, तो उन्होंने बताया कि 12 महीने का लैग पीरियड होता है कि स्टेट बैंक अपनी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन करती है, उसके बाद बाजार की सतह पर जब वो नमूदार होती है, जैसे कि महंगाई है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी या लूज मॉनेटरी पॉलिसी से, उसमें 12 महीने का वक्फा होता है। तो PDM की हुकूमत रही सारी 16 महीने, तो इसमें मुझे इस बात का रंज था कि मेरी पार्टी बेचारी महंगाई का खमियाजा तो भुगत रही है, लेकिन कोई ये बताने से कासर है कि इनका कसूर ही नहीं था। सिर्फ कहने से तो नहीं होता, ये बाकायदा वो अदवार, वो तरीक़ाकार, वो बताना पड़ता है अवाम को, ताकि उनको बात समझ में आए। तो उस वक्त एक गैलप का पोल हुआ था, जिस वक्त अप्रैल में नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ था, जिसमें 62% लोगों ने यह कहा कि इमरान खान को महंगाई करने की सजा मिल रही है जिस वजह से उसको नो कॉन्फिडेंस में निकाला जा रहा है। और 2 हफ्ते नो कॉन्फिडेंस के बाद दोबारा वो सर्वे हुआ गैलप का, और उसमें 64% लोगों ने यह कहा कि यह सजा मिली है महंगाई की, और उसके ठीक एक साल बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 64% जिम्मेदार ठहराई जा रही थी। इसका मतलब यह है कि जिन्होंने बयानिया तैयार करना था और जिन्होंने बयानिए के प्रचार करना था, एहसन इकबाल साहब और मरियम औरंगजेब साहब, वो बुरी तरह फेल हो गए थे अपने काम में, क्योंकि ये जो महंगाई है ये सारा इलेक्शन 2024 वाला है ही महंगाई का, कोई माने या ना माने। और मुझे हैरानगी होती है कि कोई भी जमात जो है, अभी पीपल्स पार्टी का 10 नुकाती प्रोग्राम सामने आया है, उन्होंने भी महंगाई का जिक्र नहीं किया, कोई बात नहीं करना चाह रहा, जो बात करता है उसको मेरे वाला हल कर देते हैं। तो आखिर क्या बात है, अगर अवाम का ये सबसे बड़ा मसला है तो हम क्यों इससे कतराते हैं? हमें एक पुख्ता और देरपा तरीकाकार बताना पड़ेगा आवाम को, जो मानने में आ सके कि महंगाई को कैसे कंट्रोल करना है और कैसे सस्ता जमाना बरकरार रखना है, फिर जाके शायद वो उस जवाब को वोट देंगे। और जो नहीं इस पे बात करेगा, जो आपको बेरा रवि नजर आ रही है, गेमा गेमी नहीं नजर आ रही, वो इसलिए है कि कोई बंदा आवाम की बात ही नहीं कर रहा, कोई जमात आवाम की बात ही नहीं कर रहा, उनको उनके तो बच्चे, उनकी नस्ल कशी हो रही है, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, वो मिट गए हैं, पस्त हो गए, शिकस्त रेख्त होगी अब आप महंगाई के हाथों, और कोई बात ही नहीं कर रहा इसके बारे में। बात तो हो रही है एहसन इकबाल साहब, बात तो ये हो रही है कि 2017 में हम क्या छोड़ के गए थे और अब हम कितने केपेबल हैं, क्योंकि हमने 2017 में क्या अचीव कर लिया था, वो 18 महीने किसी की याददाश्त में भी नहीं है, कोई उन पर बात भी नहीं करना चाहता। आप ये बात दिमाग से निकाल दीजिए, हमें एमनीजिया हो जाना चाहिए कि एक्चुअली में महंगाई कब आई थी, 16-17 माह हुकूमत रहकर क्या करके गई थी, ये जो इंटरिम सेटअप है ये कैसे चल रहा है, इसके बाद क्या करना है। महंगाई तो कंट्रोल बाद में होगी, पहले आप लोग तो कंट्रोल में आ जाए, पहले PTI को तो कंट्रोल में कर लें, पहले बल्ले के निशान को तो कंट्रोल में ले आए। तो ये तमाम तर चीजें जो कर रहे हैं वो नवाज शरीफ साहब तो अकेले नहीं कर रहे। जी मैं समझता हूं कि आप जो मर्जी कर लें, मेरा सिर्फ एक मुतालबा है कि महंगाई का आवाम को ठीक ठीक बताएं कि जिम्मेदार कौन था, जो कि PDM की हुकूमत नहीं थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं थी, और जो लोग इस पर कासर रहे हैं अपनी ड्यूटी निभाने के लिए उनका एहतसाब होना चाहिए, उनका नोटिस लिया जाना चाहिए, और अवाम को अभी भी वक्त है कि
ठीक ठीक हकीकत के साथ जो है आगाह करें, ताकि वो अपने वोटों के जरिए अपना सही फैसला कर सके, ना कि ऐसों को सजा दे दें जिनका कोई ताल्लुक नहीं था, जिनका कोई कसूर नहीं था। और इसलिए मैं इनको जिम्मेदार ठहराता हूँ कि इन्होंने पार्टी का नुकसान किया है, इन्होंने अपना काम नहीं किया, ना कि नून लीग ने महंगाई की है। अच्छा दानियाल अजीज साहब, ये फरमा दीजिएगा कि तलाल साहब का क्या कसूर है? फिर निसार अली खान साहब भी आजाद इलेक्शन लड़ रहे हैं, खाकान अब्बासी साहब नहीं लड़ रहे हैं, मतलब ये तमाम तर चीजें आपकी उनके साथ कोई मुतजाद एलिमेंट्स हैं या एक जैसी सोच है? क्योंकि पहले कहा जाता था पीएमएलएन एक बिल्कुल वजादार पार्टी थी, सबको फैमिली की तरह ट्रीट करती थी, अब सिर्फ फैमिली ही रह गई है पार्टी में। उनकी सीटों के बारे में तो मुझे इतनी मालूमात नहीं है कि क्या उनको जरूरत थी या क्या वहाँ मुलाकात है जिनकी वजह से ये फैसले सामने आए हैं, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ जो यहाँ पर नारवाल में हुआ है ये तो एक तारीख में लिखा जाएगा कि एक पार्टी की तबाही जो है कैसे की जाती है। और सिर्फ एक शख्स जो है वो अपने लाडले बेटे को एमपीए बनाने के लिए पूरे के पूरे जिले की, जीते हुए जिले की जो है इसने जड़ मार दी है और पूरा भौचाल ले आया यहाँ पर, जिसमें किसी की तमीज़ नहीं की गई, किसी बरादरी की तमीज़ नहीं की गई, किसी ट्रेडिशनल जो लोग वर्कर हैं उनकी तमीज़ नहीं की गई, और सिर्फ जो है पहले ही वो मारूसी सियासत में इतने दबे हुए हैं कि उनका एक कज़न जो है वो एमपीए है, एक नेफ्यू दूसरा एमपीए है, खुद वो एमएनए है, अपने बेटे को पहले मेरे से मांग के जिले का चेयरमैन बनाया था वोट मांग के, और उसके बाद अब उनको एमपीए बनाने के लिए वो कहते हैं कि मैं खुद इलेक्शन लड़ूंगा और उसके बाद मैं इस्तीफा दूंगा और उसके बाद बाय इलेक्शन में मेरा बेटा होगा, क्योंकि बेटे को कोई संभालने के लिए तैयार नहीं है, वोट देने के लिए तैयार नहीं है। अब ये तरीकेकार रह गए पाकिस्तान में, जबकि हमारे मसले जो हैं वो सोचा जाता था कि ऐसे लोग जो हैं जो प्लानिंग कमीशन के हेड रहे हैं, जो इंटीरियर मिनिस्टर रहे हैं, वो पाकिस्तान के बारे में सोचेंगे, लेकिन वो अपने अपनी नाक के आगे नहीं सोच सकते, सिर्फ अपनी फैमिली की उनको फिक्र है, पार्टी जाए बाढ़ में, पाकिस्तान जाए बाढ़ में, इनको ये पड़ी हुई है बस। दानियाल अजीज साहब, ये फरमा दीजिएगा कि आपको क्या चांसेस लगते हैं अपने जीतने के, क्योंकि अगर ये आपको लगता है कि ये सीट आप हासिल कर पाएंगे, अनवारुल हक साहब को डिफीट कर पाएंगे? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जी कि ये जो मसला है महंगाई का, अवाम इस वक्त इंतजार कर रही है कि उनको कोई इस महंगाई का हल बताए और इस महंगाई के बारे में कोई बात करे, क्योंकि उनका असल जो दुख दर्द है वो ये है। और उस सिलसिले में मैं वाहिद शख्स हूँ, देखें कोई भी जमात अभी देखें कितनी पॉलिसी स्टेटमेंट्स और सब कुछ आ रहा है, कोई छूने के लिए तैयार नहीं है इस इशू को, ये इशू की बात करनी पड़ेगी, इनको उगलना पड़ेगा इनके पास क्या इसके लिए हल है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है जहाँ से ये महंगाई की गई है सारी इमरान खान के दौर में, वो पार्लियामेंट को अकाउंटेबल है, जो दो साल पहले लॉ पे पास हुआ है जिसमें उनको इंडिपेंडेंट कर दिया गया है। इंडिपेंडेंट इसलिए नहीं हुए हैं कि वो आनन फानन पाकिस्तान को तबाह कर दें, क्योंकि उनकी अकाउंटेबिलिटी पार्लियामेंट में रखी गई है। अब पार्लियामेंट में मैं जाऊंगा तो मैं उनको जिम्मेदार ठहराऊंगा कि ये महंगाई इसको वापस करें और ये रोकें, क्योंकि इससे अशरफिया जो है हमारी वो मुस्तफीद हुई है, जिन जिन की बैंक तक रसाई थी वो अरबोंपति बन गए हैं, क्योंकि सैकड़ों अरबों रुपए जो है उनको मनफी रियल इंटरेस्ट रेट पर बांटे गए हैं, जो एक्चुअली पाकिस्तान को कोविड के लिए मिले थे बिलियंस ऑफ डॉलर्स गरीबों के लिए, तो वो इनको बांट दिए इंस्टेड, क्योंकि इमरान खान की इकोनॉमिक पॉलिसी फेल हो रही थी और वो कैबिनेट में कहता था कि अगर 6 महीने में हमारी कारकर्दगी बेहतर ना हुई तो हम निकाल दिए जाएंगे, और उन्होंने अपने आखिरी हद पर इस्तेमाल किए कि एक इकोनॉमी का मुजरा करवा दिया, पैसे फेंके ऐसे जैसे ट्रक के ऊपर से फेंकते हैं बैंकों के जरिए, और उसका महंगाई का रेला आना था। अब स्टेट बैंक के अपने डॉक्यूमेंट्स हैं कि एक 12 महीने का लैग पीरियड है जबकि स्टेट बैंक अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करती है और जब तक वो बाजार में पॉलिसी के असरात नमूदार होते हैं, तो वो 12 महीने पीटीएम की तो हुकूमत ही सारी 16 महीने की थी। मुझे गुस्सा इस बात का है कि इतने बड़े फेलियर हैं, इतने नलायक हैं हमारे ये जो इंचार्ज थे इस चीज के, वो बता ही नहीं सके ये बात। आप इंचार्ज किसको समझते हैं जिसको आप नालायक कह रहे हैं सर? ये नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी और प्लानिंग कमीशन, पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रूल्स ऑफ बिजनेस में लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन एंड ओवरऑल इकोनॉमिक प्लानिंग जो है प्लानिंग कमीशन की जिम्मेदारी है, और वहीं पर नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी है जिसको नोटिफिकेशन के तहत ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप महंगाई के ऊपर चेक रखेंगे, कंट्रोल रखेंगे, तो इन्होंने क्यों नहीं अलार्म बेल्स बजाए? इनके नेशनल प्लान डॉक्यूमेंट तो 11.5% इन्होंने बताया था कि साल के अखीर में महंगाई होगी, जबकि जब साल का अखीर आया तो वो 30% तजावज कर गई, यानी इनको पता ही नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं। तो प्लान ये क्या बनाते हैं, बयानिया ये क्या बनाते हैं, बताते हैं क्या, कोई तहकीकात इनके पास पूरे इकोनॉमिक्स
पूरा एक इकोनॉमिस्ट का जो सर्विस है पाकिस्तान की, वो प्लानिंग कमीशन के मतहत है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ये लूडो खेलते रहे वहां पर, और जमात को ये खमियाजा भुगतना पड़ा महंगाई का, जब आप प्रॉपर तरीके से बता ही नहीं सके, तो बच्चे बच्चे की जुबान पे होना चाहिए था कि किसने महंगाई की है। उल्टा जो है हम जाके नून लीग बेचारे जो है वो ये इस बात का जवाब देती फिर रही है, जबकि ये सारी की सारी पीटीआई ने की, इमरान खान ने की, और मैं इस पे आने वाले दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अजीज साहब, लेकिन आपको पता है, आपको लगता है मंशूर में जो मंशूर अभी आया नहीं है, वो उस मंशूर को आपने देखा है? वो जो मंशूर आया नहीं है, शायद उसमें ये सब चीजें बता दी जाए, तो वो जो मंशूर आना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का, उसमें आपका कोई इनपुट है? आपने देखा है उसको? मेरा कोई इनपुट नहीं है, इनको पता ही नहीं है, इनको पता होता तो ये बताते ना। अब ये मेरी जो आज की मीडिया टॉक्स है, ये देख के बेचारे नलायक भागे फिरेंगे कि बताएं जी वो कहां है रेफरेंस, स्टेट बैंक वाला जो दानियाल साहब ने बताया, ताकि हम मंशूर में डाल दें, अभी दो दिन बाकी है इनको मंशूर देने में, ये तो इनकी हालत है। अच्छा, वंस बैक इन पार्लियामेंट इंशाल्लाह, वंस बैक इन पार्लियामेंट इंशाल्लाह, अजीज साहब आप क्या करेंगे? विल यू जॉइन पीएमएलएन अगेन या आजाद? मैं तो महंगाई के खिलाफ जिहाद करूंगा, ये पाकिस्तान की गरीब आवाम को जो मिटा दिया है, इनको शिकस्त रेख कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया है, इसका तदारक होना चाहिए और इसकी ठीक ठीक जिम्मेदारी ठहरनी चाहिए, और आइंदा किसी की जरूरत ना हो कि इस तरह की महंगाई करें। मेरी बात सुन ले, महंगाई होती नहीं है, महंगाई की जाती है, और अगर की जा रही है तो फिर इसका कोई मुस्तफीद हो रहा है, उन लोगों की निशानदेही करें, ताकि ये जो पाकिस्तान के अवाम के बेचारों का खून चूस लिया है, उनको पकड़ा जाए, उनको रोका जाए, ताकि दोबारा, और ये ठीक ठीक पता हो हर रोज लोग उन फिगर्स को देखें, फैक्ट्स को देखें, कि क्या दोबारा से ये हमारे साथ तो नहीं होने वाला। तो ये काम है पार्लियामेंट में करने वाला। ठीक ठीक है, ओके, थैंक यू अजीज साहब, आपने बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया।